अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़े से गांव के क्लिप रखे थे मैंने, जब गैलरी में देखा तो कुछ क्लिप रखे थे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, तो इनको डिलीट करने को मेरा दिल नहीं कह रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो हम लोग कराची आ चुके हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा सबको। तो ये देखें कितने खूबसूरत से फूल हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे बारिश आई थी, तो बारिश का टाइम मौसम में गांव में बारिश आती है तो बहुत ही अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। तो चलें जी, कुछ क्लिप जो है मैं अपने घर के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब जाने की तैयारी कर रहे हैं कराची। तो अभी हम लोग जो है ना, वो चाची और मम्मा कपड़े धोएंगी, क्योंकि जब यहाँ के कपड़े धोए हुए देखते हैं ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये हमारे पास वाटर सप्लाई का पानी आता है, जो कि इतना आता है कि हमारे पास बर्तन कम हो गए हैं। ये चलता रहेगा चलता रहेगा, और इतना ठंडा पानी है। और देखें मैं आपको दिखाती हूँ ना, हमारी फातिमा साथ साथ नहा रही है, जो आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो जी, ये थे हमारे गांव के कुछ क्लिप। पहले मैंने आप लोगों को दिखाया जो घर, वो भी मेरा ससुराल ही है समझें। उसके बाद जी हम अपने घर आ गए थे, जो मैंने आप लोगों के साथ अक्सर अपनी वीडियो में शेयर किया है, जहाँ पे हम लोग कपड़े वॉश कर रहे थे, वो मेरा अपना घर है। तो जी उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और आप लोगों का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम लोग कहाँ हैं अभी। तो जी अभी हम लोग अपनी नंद की तरफ आए हुए हैं, और जो है ईद के टाइम पर हम लोग उनसे मिले नहीं थे, तो इस बार जो है हम लोगों ने सोचा चलें जी ईद ही मिल के आते हैं। वैसे ईद तो गुजर चुकी है, लेकिन खुशियाँ अभी भी बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग वहाँ आ गए थे, और यहाँ पे मैक्रोनी के लिए जो है वो चिकन काटा जा रहा था। मेरी बेटी और मेरी नंद जो है वो उसकी कटाई कर रहे थे, और एक मेरी नंद जो है वो दाल फ्राई कर रही थी। हम लोगों का अचानक शाम का प्रोग्राम बन गया था जाने का, तो वो पहले ही दाल जो है वो बना रही थी, तो उसने कहा चले मैं दाल भी फ्राई कर देती हूँ लगे हाथ। और फिर मेरी नंद जो है वो, मेरी नंद का नाम समरीन है छोटी वाली का, तो वो जो है वो मैक्रोनी तैयार कर रही थी, तो कह दी आप आए हैं तो थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा था माशाल्लाह से, तो ठंडा ठंडा मौसम हो चुका था। तो देखिए जी, ये दाल भी हमारी फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त सी दाल भी फ्राई हो चुकी है। बारिश आ रही है, बारिश ये है तारों का शहर। तो जी देखा हमारा तारों का शहर, रोशनियों का शहर। तो जी यहाँ पे मेरी नंद जो है वो कुछ कपड़े लेकर आई थी, तो वो दिखा रही थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सूट थे, हम भी देख रहे थे। मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर लूँ, काफ़ी अच्छे सूट थे, उनका कपड़ा बहुत अच्छा था। ये जो है ये मेरी छोटी वाली नंद जो है वो भी गांव गई हुई थी, तो वहाँ पे भी हमारा, जैसे कि वो मेरी अम्मी वालों की तरफ गई थी, वो मेरा मेका है और इनका जो है ससुराल है, तो वहाँ पे गई हुई थी, तो वहाँ से कुछ ये सूट बाय करके आई थी, तो वो दिखा रही थी माशाल्लाह बहुत अच्छे सूट थे, ज़बरदस्त से सूट थे माशाल्लाह से, तो वो हम लोग देख रहे थे। ये इसका दुपट्टा है। तो जी माशाल्लाह हम लोग सब सूट देख रहे थे, साथ में जो है वो मैक्रोनी भी तैयार हो रही थी, और बारिश भी लगभग आने ही वाली थी, बिजली भी कड़क रही थी, वो भी हम लोग साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। तो माशाल्लाह जी गांव से होके आए थे, तो वहाँ पे थोड़े से बोर भी हो रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कहीं से घूम के आते हैं तो सबका यही हाल होता है, थोड़ा से बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो जॉइंट फैमिली से होके आए थे, तो काफ़ी वहाँ पे एंजॉय करके आए थे, तो फिर यहाँ पे तो थोड़ी बहुत बोरियत हो ही जाती है। वैसे भी हम लोग जो है वो जॉइंट फैमिली से ही हैं, तो जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, लेकिन खैर अपनी अपनी रूटीन के साथ तो सबको चलना ही है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, और बच्चों ने कहा चलें फुप्पो की तरफ चलते हैं, फुप्पो से भी तो ईद ही लेनी है ना, तो खैर बच्चों की तो यही ईद होती है। ये वाले दुपट्टे हैं जो कि स्टिच के लिए इनके सूट गए हुए थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह के हम लोगों ने 2 सूट लिए थे, एक मेरी नंद लिया था समरीन ने, एक हमने लिया था, तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे हैं। ये वाले सूट जो है हम लोगों ने यहाँ से बाय किया था। तो जी यहाँ पे हमारी मैक्रोनी जो है वो रेडी होने वाली है, लगभग इनका मसाला जो है वो तैयार कर दिया है। समरीन मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो बस वैसे भी तकरीबन जो है वो रात होने वाली थी, और मैक्रोनी रेडी हो गई थी। फिर हम लोगों ने जो है वो रात का खाना थोड़ी देर बाद तैयार किया था। मौसम भी बहुत ख़राब होने वाला था, काफ़ी एक तरफ से तो डर भी लग रहा था कि मौसम ख़राब हो गया तो फिर घर कैसे जाएंगे। लेकिन जो है वो मेरी नंद ने कहा नहीं, अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो आप लोग बैठ जाइएगा, आप लोग कल चले जाइएगा। लेकिन फिर मेरे बेटे को भी जाना होता है, तो फिर हम लोगों ने सोचा चले देखते हैं, अगर मौसम अच्छा हो गया तो निकल जाएंगे। बारिश हो रही है तो जी हमारी बेटा बारिश हो रही है, चाय भी तैयार हो गई थी। और ये देखें मौसम माशाल्लाह, बिजली कड़क रही थी। हमारी तरफ बालकनी नहीं है तो हम लोग इतना ज़्यादा जो है इनका व्यू नहीं देख सकते बारिश का, लेकिन यहाँ पे होती है तो फिर बच्चे जो है ना काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। तो जी बस बारिश भी आ गई थी और बारिश को भी साथ में एंजॉय कर रहे थे। देखें जी बारिश काफ़ी आ गई थी और साथ में आंधी भी आ गई थी, लेकिन ये शुक्र करते हैं अल्लाह का कि 1 घंटे के अंदर जो है ना वो मौसम फिर साफ़ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग भी रिलैक्स हो गए थे। उसके बाद जी बस हम लोग ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है वैसे रात का टाइम। और कराची में जो है बिजली भी चल रही होती है, गांव में तो जब भी बारिश आती थी तो लाइट चली जाती थी और फिर लाइट आने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन फिर वहाँ पे फिर हम लोग सब आदी होते हैं तो हमें पता होता है कि लाइट नहीं आनी है तो नहीं आनी है। फिर गैस का भी मसला हो जाता था, फिर जनरेटर भी नहीं चलते हैं तो काफ़ी मसला हो जाता है वहाँ पर। लेकिन फिर हम सब वहाँ के आदी हैं तो शुक्र है अल्लाह का, फिर यानी कि वो भी टाइम अच्छे से निकल जाए। लेकिन अगर यहाँ पर लाइट जाती है ना तो बड़ा मसला होता है। तो देखें जी मैक्रोनी वगैरह खा ली थी और यहाँ पे मेरी नंद जो है वो पुलाव तैयार कर रही थी। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पुलाव, आप लोगों ने मेरी अक्सर वीडियो में देखा होगा। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं। तो बस हमारा लगभग पुलाव भी रेडी होने वाला है। और फिर हम लोगों ने जो है थोड़ा बहुत खाया था और थोड़ा बहुत साथ लेकर भी गए थे। तो माशाल्लाह जी पुलाव बस हमारा रेडी हो गया है। काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा भी बहुत आया बच्चों ने। और एक टाइम के थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजर जाता है, अपनों से मिलना मिलाना होता है माशाल्लाह। तो बस ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है और फिर हम लोग जो है अपने घर को निकल रहे हैं। और देखिए मौसम भी अच्छा हो गया है और सड़कें भी सही हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़्यादा ख़राब मौसम नहीं है।